आज का जो विषय है परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों संतान बनाया सच में प्यारो अगर इस बातों को आप ध्यान से नहीं लोगे हो सकता है आने वाले समय में आप भटक जाए कोई भी गलत शिक्षा के प्रवाह में आप आगे निकल जाओ आइए अपनी आंखों को बंद करते दुआ करते जीवित परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं पवित्र आत्मा हम आपकी ओर देखते हैं और हम आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आप सत्य के आत्मा हो और जो कुछ भी आप पिता से सुनते हैं वो हमें बताते हो जो कुछ भी पिता के हृदय में है वो हम से आगे प्रकट करते हो प्रभु सो परमेश्वर हम मानते हैं आपके बच्चे आपकी संतान होने के नाते हमसे व्यवहार कीजिए प्रभु आज के इस सरल आज के इस वचन को सरल बनाइए और इजीली हम इसको ग्रहण कर पाए ऐसा होने दीजिए प्रभु हम यशु का लहू सुनने वाले हर एक व्यक्तियों की इच्छाओं पर उनके मन और उनके विचारों पर हम सभी पर लेते हैं आसपास के के वातावरण पर लेते हैं सारी डिस्टर्बिंग स्पिरिट को के नाम में हम तोड़ते सारे गलत ज्ञान को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं झूठ की आत्मा के फैलाए हुए ज्ञान को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं और स्वतंत्रता की आत्मा चलाई हो हमारे भीतर हमारे आसपास यीशु के नाम में हमारी ये प्रार्थना हम करते हैं। सुने कबूल करें यीशु के नाम में आम सो so, प्यारो माला की एक और दो और दस इस प्रकार कहता है कि क्या परमेश्वर ने क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया है ना क्या सिर्फ लिखा है कि हाँ थैंक यू पाशा कृष्ण क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके सॉरी आगे का मेन सेंटेंस वो ये कि एक ही पिता नहीं हाँ दुनिया में सभी लोग बोल सकते जैसा मैंने अभी बोला पर वो ही लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए वो ही बोल सकते कि परमेश्वर मेरा पिता है दूसरा एक रेफरेंस हम कुछ देखे उससे पहले मैं आपको उस उस बेटे की याद दिलाना चाहता हूं जिसको बाइबल में उड़ाव पुत्र बोला गया उड़ाव पुत्र की कहानी आज हम वो पूरी कहानी का उड़ाव पुत्र नहीं मेरे साथ, साथ आप अगर निकाल सकते हैं तो लूका रचित सुसमाचार ग्यारवा अध्याय उसमें ये पूरी कहानी बताई गई है ग्यारह से इकतीस में पर हम ग्यारह से इकतीस नहीं पढ़ेंगे हम बीस से Uh, 22 या तो बीस uh, से चौबीस तक बीस से चौबीस पढ़ेंगे से पढ़ेंगे uh, पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा इसका बैकग्राउंड क्या हुआ था? नहीं उड़ाव पुत्र क्यों उड़ाव बना क्योंकि एक पिता के यहाँ पर दो बेटों की बात बताई गई है एक बेटा ऐसा था कि जिसने अपना हिस्सा मांगा पिता से मांगा मेरा हिस्सा मुझे दे दे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ मुझे कहीं चले जाना है वो अपनी मौज शौक में सांसारिकता में जीना चाहता था परमेश पिता से दूर जाकर जीना चाहता था वो अपने अपनी ही इच्छा से अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता था सो so, परमेश्वर किसी को बांध कर नहीं रखता है भाई है ना परमेश्वर किसी को भी बांध कर नहीं रखता है है ना हाँ पवित्र आत्मा की आवाज आती है वो सुधीरी आवाज अंदर से बेटा ये तू गलत कर रहा है ये मत कर पर उसको सुनना अनसुनना करना ये व्यक्ति के उसके उसके भीतर होता है उसके अधिकार में होता है है ना उड़ाव पुत्र ने मांगा और वो दूर देश चला गया क्या हुआ वहां पर सारी संपत्ति उसने खर्च कर डाली सब कुछ खत्म हो गया उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि सुअर को जो लोग खाना खिलाते वो खाना खाकर वो अपना पेट भरता था है ना और वहां पर उसको ये ख्याल आया वो वो खाते खाते वहां पर उसको ये ख्याल आया क्या ख्याल आया कि मेरे पिता के घर में क्या हो रहा है मेरे पिता के घर में तो कितने सारे मजदूर हैं, वो लोग तो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं क्यों ना मैं वापस जाऊं मेरे पिता के पास सो so, प्यारो उसने फैसला किया और सत्रहवीं आयत में मालिक जब वो अपने आपे में आया तब तो, कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और लिखा है और उससे कहूंगा मैंने स्वर्ग के विरोध में स्वर्ग के विरोध में अब, अब स्वर्ग कोई परमेश्वर नहीं है प्यारो पर स्वर्ग में परमेश्वर है तो स्वर्गीय कानून है नहीं पिता के कानून परमेश्वर के कानून मतलब स्वर्गीय कानून इस इसलिए यहाँ पर लिखा है जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो भारतीय है कानून तो के भाई भारत के कानून के विरोध में मैंने कुछ गलत किया तो यहाँ पर इस सेंस में इस समझ में हम ये बोल रहे हैं कई बार लोग आकाशना विरुद्ध अरे आकाश विरुद विरुद न विरुद्ध क्यों पाप पड़े स्वर्ग नीवा का आकाश नो विरुद्ध कोई पाप नहीं हो तो स्वर्ग ना स्व स्वर्ग के विरुद्ध मतलब परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में चला हूं ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में चला हूं और तेरी दृष्टि में पाप किया है स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊ मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले देखिए ये ये जो फीलिंग है कि मैं इस योग्य नहीं रहा किसी के भी कहने से आप अयोग्य नहीं ठहर जाते है, है ना आपका आत्मिक स्टेट स्पिरिचुअल स्टेटस किसी के कहने से नहीं बदल जाता है आपकी हरकतों से बदलता है वो स्टेटस है ना आपकी और मेरी गलत चुनाव से गलत पसंदगियों से सब बदल जाता है फिर भी हम परमेश्वर की संतान तो रहते ही है पर हमारी आसपास की दुनिया बदल जाती है आ, हमारा आसपास का वातावरण बदल जाता है आप सोचिए एक मछली के लिए उसके लिए अच्छा वातावरण कौन सा है हमारी तरह बाहर की दुनिया में आकर जा आए चले कुद करे, नहीं उसके लिए अच्छा वातावरण क्या है पानी वो पानी में रहे वो ही उसके लिए अच्छा वातावरण है सो प्यारो आपके और मेरे लिए भी अच्छा एटमोस्फेयर वो ही है परमेश्वर का वचन और उसकी शिक्षा हालल देखिये संगति तो संडे होती है और हफ्ते में शायद एक आध बार बाकी का क्या होता है भाई बाकी के घंटों का हम क्या करते हैं क्या हिसाब है आपके पास और मेरे पास छोड़िए इन बातों को पर उड़ाव पुत्र ने क्या किया यहाँ पर वो उठकर आया तब क्या हुआ बीस से आगे पढ़ेंगे हम बीस से चौबीस पढ़ते ध्यान से आपके पास बाइबल है तो उस पर ध्यान दीजिए तब वो उठकर अपने पिता के पास चला वह अभी दूर ही था कि कि उसके उसके पिता पिता ने उसे देख तरस तरस खाए देखिए हमारा कैसा है कि वो तरस खाता है वो खाता बेटे होने के बावजूद गलतियां हुई है हम दूर गए हैं छोड़ दिया है कुछ भी हुआ है पर अगर आप वापस आते हो तो आपका पिता वो नहीं है कि जो आपको लात मारकर बाहर निकाल दे वो ये इस दुनिया का सांसारिक पिता नहीं है जो अनाउंस कर दे दुनिया में इश्तेहारों में इश्तिहार दे कि दे। यहाँ वहां इधर उधर लिख कर रखते कि ईद का मेरे साथ कोई नाता नहीं है नहीं प्यारो उसने जो पवित्र आत्मा दिया है ना वो सदा के लिए दिया है हाल क्या लिखा है यहाँ पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा दौड़कर इसका मतलब है कि वो राह देख रहा था कि मेरा बेटा वापिस आएगा मेरा बेटा आएगा आज नहीं तो कल आएगा पर वो जरूर वापिस आएगा आप में से कितने लोग हैं जो आज अभी भी दूर है परमेश्वर से वापिस लौट आओ क्योंकि यही यही भलाई है आपके और मेरे लिए और हमारे लिए यही भलाई है उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए जिन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद कर दिया है संगति को और प्रभु की बातों वा, को अन कर दिया है प्रार्थना बाइबल इन सब बातों को तो बोलते हैं ना वो बराय पर चढ़ा दिया है मतलब वापिस लौट जाओ त्यारो वापिस लौटो आपका पिता आपकी राह देख रहा है आपके प्रार्थनामय जीवन को आपके आत्मिक जीवन को वचनों से संवारी प्रार्थना में बैठ कर सवारिए प्यारो यू ही समय व्यर्थ ना बिता दे हो तो सकता है कल का समय ऐसा हो कि आपके पास समय ना हो सो प्यारो बिताइए प्रभु के पास समय अपना यू ही गप्पे मारने में गपशप मारने में दुनिया की निंदा करने में अपना समय ना जाया करे प्यारो प्रभु के वचनों में बैठे क्योंकि ये सब बातें जो है ना दुनियादारी के भी ये सब सांसारिक बातें और बाइबल में ऐसा लिखा है सब नहीं खोलेंगे सांसारिक संसार से मित्रता यानी परमेश्वर से बैर है तो परमेश्वर से बैर पाकर हम किस अवस्था में चले जाएंगे आप सोचते हो कभी कौन सी दशा में जाएंगे हम गुलाम बन जाएंगे पता है शैतान इजीली ऐसे जीवनों में काम कर जाएगा जो अपने आप को वचनों से और प्रार्थना से और प्रभु की संगति से दूर रखता है जिसको कोई सीरियसनेस नहीं है आत्मिक जीवन से वो बहुत जल्दी ऐसे गुलाम बन जाते है प्यारो so, बी में आए उससे पहले अपने जीवन को प्रभु से फिर से रीडेडिकेट करे पुनः समर्पित करे और प्रभु के पीछे चले देखो प्रभु अपना प्यार उमर उमरता हुआ प्यार आप पर लुटाने के लिए तैयार है क्या लिखा है आगे दौड़कर उसे गले लगाए और बहुत चुमा क्या लिखा है आगे इक्कीस पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है मैंने पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहला कई बार शैतान आपको आकर ये सब बोलेगा कि पवित्र आत्मा इज होली इज नॉट अमर नहीं वो आपको कंडेम कभी नहीं करता है पर शैतान हमेशा कंडेम करेगा तू पुत्र नहीं है तू तेरा हाल देख तेरा जीवन देख तूने कल रात को कितना गंदा गंदी बातें की उस तेरे दोस्त के साथ तूने कितना गंदी बातें देखी गंदी बातें पढ़ी तू तो अयोग्य रहा है तू कैसे विचार करता है तू तो प्रभु का बेटा कहना है लेकिन लायक नहीं रहा है शैतान आपके मनो में यह ख्याल डालेगा दूसरे ही पल ऐसे ख्याल को छोड़े प्यारो धमका दे अगर नहीं जा रहे तो यीशु के नाम में डांटता हूँ ऐसे ख्याल दूर हो जाए तो प्यारों, पवित्रता भी एक चीज है कि जो प्रभु हमसे अपेक्षा कर रहा है और ये हमें ये ये हमारे चाल चलन की बात है सोच विचार की बात है इसीलिए प्रभु का वचन और ऐसे प्रभु के बेटों की दोस्ती प्रभु हम प्रभु हमें हमें रहने का प्रभु हमें अगुवाई करता है बाइबल में क्या लिखा है आगे पुत्र ने उससे कहा पिताजी देखो पिता के मन में कुछ और ही ख्याल है पुत्र के, के मन में कुछ और है कि भाई वो जाकर जो कुछ भी मिलेगा वो खा लेगा और जीवन बिता देगा अब तो मेरा हिस्सा खत्म हो गया है मेरे पास कुछ बचा नहीं है सो मुझे कुछ नहीं मिलेगा पर मुझे दास की जगह भी मिल गए मेरे पिता के घर में तो काफी है है ना सो so, वो प्यारो वहां पर आ जाता है और वो वो ही अपेक्षा करता है नहीं उसको तो दास का ही सोचा था पर उसको सरप्राइज मिला वहां पर है ना उसको पूरा पूरा प्रिविलेज परमेश्वर उसके पिता के बेटे बनने का मिल गया प्यारो देखिए क्या लिखा है वहां पर पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ देखिए नंबर वन थिंग वस्त्र रोब जिब्भा जिसको बोलते हैं ऐसा ऐसा वस्त्र है जो अच्छे से अच्छा पिता पहनाता है जब हम उसके पास आ जाते हैं और लिखा है इस ये ये क्या बताता है पता है ये वस्त्र पहनाना अच्छे से अच्छा क्या होगा वो पिता की ही तिजोरी में होगा दोनों बेटों की तिजोरी में तो नहीं होगा पहला तो एक बेटा तो चला गया था सब लेके दूसरा बेटे का कुछ वर्णन आगे बताया कि वो कैसा है So, अच्छी चीज है किसके पास है पिता के पास और ये दासों ने आकर क्या पहनाया उसको अच्छा वस्त्र पहनाया और ये क्या बताता है पता है कि ये 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 साबित है सबूत है कि तुझे परिवार में स्वीकारा गया है परिवार में अंगीकार किया गया दूसरा है अंगूठी देखो हाथ में अंगूठी ये ये क्या बताता है इट्स अ साइन ऑफ ऑथोरिटी एंड सनशिप पुराने समय में अंगूठी का एक एक चलन था नहीं एक 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 ऐसा रिवाज था कि पिता बेटों को ऐसी अच्छी वस्तुओं में कुछ कुछ खास बातें देता था उसमें एक ये बात थी कि एक ऑथोरिटी की साइन के रूप में अधिकार के साइन के रूप में चिन्ह के रूप में उसको अंगूठी पहनाते थे तीसरा है क्या लिखा है आ, और पाओ में जूतियां पहना पुराने कल्चर में पुराने संस्कृति में एक और भी बात थी कि घर के नौकरों को घर के दासों को घर में चंपल पहने की या तो इन लोगों के पास जो घर के मालिक है उनके सामने अपने जूतियां पहनने की परमिशन नहीं थी अधिकार नहीं था जो भी वहां पर पुराने समय में घर में काम करते थे किसी के घर में तो उनको अपने जूते निकालने ही पड़ते थे पर यहां पर क्या हुआ जूता वो ही पहन सकता था घर में जो उस घर का खास व्यक्ति था जो उस घर का व्यक्ति कहलाए दास ना कहलाए तो so, प्यारे आप सोचिए ये ये सब चिन्ह अच्छा वस्त्र पहनाया अंगूठी पहनाई जूतियां पहनाए ये ये क्या बता रहा है जूती पहनाना मतलब उसको प्रभु वो व्यक्ति दास नहीं गिन रहा है पर वो उसको अपना खुद का बेटा ही समझ रहा है हालेलुया मतलब वापस उसको वो वो पद वो डग्निटी वो ऑनर उसको वापिस लौटाया जा रहा है वो रिस्टोर कर रहा है आप प्रभु के पास जाइए वापिस जाइए वापिस लौटिए प्रभु के चरणों में जाइए और कहिए प्रभु मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा कर प्रभु रिस्टोर करता है प्यारो और चौथी बात थी कि यहाँ पर लिखा है कि पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और सेलिब्रेशन नहीं उस पुराने समय में एक और भी चीज होती थी कि यहूदी लोग अच्छा खासा पाला हुआ बछड़ा अच्छा जिसमें कोई भी किस्म का कुछ रोग ना हो ऐसा बछड़ा खास रखते थे क्योंकि साल में एक दिन आता था द डे ऑफ अटोनमेंट मतलब प्रायश्चित का दिन और उसमें उसका अर्पण किया जाता था पाप बलि के रूप में पाप के लिए अर्पण किया जाता था पाप बलि के रूप में तो यहां पर क्या हुआ ये बछड़ा उसके लिए लाया गया इसका मतलब है कि तेरे तेरी बातों का तेरी गलतियों का प्रायचित हो चुका है मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है हालाया मैं उन गलतियों को नहीं देख रहा हूं पर मैं ये देख रहा हूं कि तू वापिस आया है इसीलिए चौबीस में पिता ये बात बोलते कि मेरा यह पुत्र मर गया था पर फिर जी गया है हो गया था अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे हाला ये ये महत्वपूर्ण बात है उस पुराने रिवाज और संस्कृति के अनुसार तो इस बेटे के लिए अंतिम विधि करनी चाहिए थी मतलब फ्यूनरल एक ऐसी विधि वहां पर करते थे जिसको आ, हम आज के समय के अनुसार फ्यूनरल बोल सकते हैं कि भाई हाँ वो सच में अब मर चुका है हमारे लिए नहीं रहा है पर यहाँ पर फ्यूनरल नहीं हो रहा है यहाँ पर तो उसको वापिस स्वीकारा जा रहा है हालाया हाला हाला कितना अद्भुत है प्यारो उसको आ, उसको दंडाज्ञा नहीं दे रहे हैं उसको दंड नहीं मिल रहा है पर उसको रिस्टोरेशन मिल रहा है क्यों इसी से, इसी कहानी के के ऊपर ऊपर से, हम, से बात आपसे प्रश्न है क्यों परमेश्वर हमें अपना अपनी संतान बनाना चाहता है क्यों बनाना चाहता है अपनी संतान मेरे पास कुछ आधा घंटे का समय है इसमें कुछ बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे सबसे पहली बात परमेश्वर ने हमें क्यों अपनी संतान बनाया क्यों संतान बनाया क्यों दासी रहने नहीं दिया आपको पता हो तो हमारा छुटकारा उसके प्रेम और करुणा और दया से हुआ है ना जब जस्ट अब सोचे कि एक गुलाम है मार्केट में आप हो पुराने संस्कृति में आप जा रहे हो आप, आप, आप थोड़ा अपने आप को पुरानी संस्कृति में ले जाए उस समय में इंसानों को बेचा जाता था हाँ मान लो मेरे घर में दो नौकर है वो मेरे गुलाम है उनको मेरा हुक्म सर आंखों पर लेना ही है किसी भी हालत में पर अब मुझे लगता है कि इसमें से एक को मुझे बेच देना है देखिये उस नौकर के लिए तो कोई अच्छी आशा है ही नहीं कि भविष्य क्या है कल का कल का भविष्य क्या होगा नहीं पर अब मैं उसको मार्केट में ले जा रहा हूं और मार्केट में उस जगह पर मैं रखता हूं कोई और आता है कोई व्यक्ति और वो क्या करेगा उस गुलाम को देखेगा और उसको लगेगा कि मैं इसको ले जाता हूं तो वो मान लो वो व्यक्ति आप हो आप गुलाम खरीद रहे हो उसके लिए पैसे दोगे दो मुझे और मैं आपको मेरा गुलाम आपको दे दूंगा तो गुलाम की दशा क्या क्या रहेगी पता यहां मेरी गुलामी ही थी अब उसने कीमत चुकाई है तो अब उसकी गुलामी मतलब उसके स्टेटस में उसकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा वो गुलाम पहले था और बाद में भी गुलाम ही रहा हाँ एक बात है कि वो मुझसे छूट गया मेरे अत्याचार से छूट गया वो मैं जो भी उसके ऊपर गलत व्यवहार करता था उन सब से वो छूट गया पर व्हाट नेक्स्ट अच्छी आशा है उसके लिए नहीं है अभी भी नहीं है पर अगर आपने उस गुलाम को जिसने जिसको मैंने बेचा है और आपने खरीद लिया है उसको आप अपने घर में परिवार का सदस्य बना दोगे तो कुछ और हो जाएगा ऐसी ही बात है क्यारो मतलब यीशु मसीह ने जब आपकी और मेरे लिए कीमत चुकाई तो वो हमारे छुटकारे की कीमत थी जब उसने लहू बहाया जब अपने शरीर पर उसने कोड़े खाए दुख उठाया तो ये आपकी और मेरी छुटकारे की कीमत थी हम किसके हाथों में थे शैतान के वश में थे अंधकार के वश में थे और उसमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया प्यारों जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया ये आपकी और मेरे छुटकारे की कीमत थी थी पर पर दूसरी एक और चीज होनी बहुत जरूरी काफी काफी था काफी नहीं था नहीं क्या छुटकारा मिल गया वो हाँ मैं आपसे प्रश्न क्या छुटकारा मिल गया काफी नहीं था ये ये उड़ाओ बेटा घर पे आ गया और पिता उसको उन नौकरों में गिन लेता क्या काफी नहीं था नहीं ये पिता का नेचर ही नहीं है ये परमेश्वर के नेचर में है ही नहीं कि वो आपको गुलाम बना कर रखे हाल ललोया ये ये परमेश्वर का नेचर नहीं है प्यारो कि वो जोर जबरदस्ती आप कर करे वो आप पर अत्याचार करे ये परमेश्वर का नेचर नहीं है ये जिंदा परमे दुनिया में बहुत सारे नाम है प्यारो पर एक ही नाम है जिसमें आपको प्यार मिलेगा और वो है यीशु मसीह का नाम बाकी में शायद ये विधि करनी पड़ेगी वो विधि करनी पड़ेगी वो करना पड़ेगा ना ये करना पड़ेगा ना इधर जाना पड़ेगा ना खाली पैर जाना पड़ेगा ना ये चढ़ाना पड़ेगा वो चढ़ाना पड़ेगा फलाना ढिकाना ये वो बहुत कुछ पर सिर्फ यीशु में ही आपके लिए अच्छी आशा है मैन हालाइया धन्यवाद दे उस पिता परमेश्वर को जिसने आपको ना से छुड़ाया पर ऐसी आशा में आपको रखा कि जिसमें आप निश्चिंत रह सको हालाइया परमेश्वर करुणा और दया से हमें छुड़ाता है पर अगर वो हमें अपनी संतान बना लेता है तो ये है कृपा इसको बोलते हैं अनुग्रह हाला अगर वो आपको उसके साथ के रिश्ते में बांध देता है जोड़ देता है उसके बरोबरी में गिनता है इसका मतलब ये है संतान का मतलब उसकी बरोबरी का रिश्ते नातों में बरोबरी का हाल हलोया आप क्या समझते हो आप परमेश्वर के संतान हो परमेश्वर ने आपको उसके बरोबर गिन लिया है उसके साथ का गिन लिया है ऐसा एस, नहीं रखा है एक ऊंचा और एक नीचा आपको आपको उसके साथ इसीलिए लिखा है उसने आपको स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बैठाया नहीं तो वो बोलता न कि वहां पर परमेश्वर के पांव तले बैठाया आपको और मुझको स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ नाई हाथ बिठाया है हलोइया जहां पर यीशु विराजमान है लॉर्ड प्रभु की स्तुति अपने स्थान के लिए गर्व देखिए क्यों संतान बनाया अनुग्रह क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु है देखिए पुरानी वाचा में अनुग्रह नहीं था दानियल कह नहीं सकता था कि मैं उसका बेटा बेटा हूँ मुसा कह नहीं सकता था शादरा पेशा कबेद नगो जरमाया या तो कोई भी पुराने नियम के गिद्योन कोई भी कह नहीं सकता था पर यह प्रिविलेज आपको मैं आप, आपको बोल रहा हूं आपको और मुझको है कि हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा बाप है और हम उसकी संतान है हवा लोहिया कितना बड़ा प्रिविलेज आपको और मुझको दिया है सौभाग्य है आपका और मेरा हवा लोहिया देखिए क्यों संतान बनाया सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिसको हम देखेंगे पता नहीं ये सब बातें देख पाएंगे कि नहीं पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जरूर देखेंगे सबसे पहला था रिलेशनशिप संबंध यानी कि रिश्ता ऐसा रिश्ता जो सम्मानित रिश्ता हो कहलाए है, है ना सो so, प्यारो वो हमें पिता और पुत्र के रिश्ते में देखना चाहता है सो so, इसीलिए उसने हमें संतान बनाया कि वो उसका नाता उसका रिश्ता हमारे साथ जुड़ जाए हालाया इसीलिए लिखा है कि जिन्होंने ने ये उसके नाम पर विश्वास किया यीशु के नाम पर उनको परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया हालाया आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाए हैं अब संतान है तो आप देखिए गुलाम में और संतान में कित, उसकी सोच में कितना अंतर होगा गुलाम बोलेगा ये घर मेरा कहाँ है ये लोग मेरे कहाँ है ये लोग मेरे अपने कहाँ हैं और मैं तो पराया ठहरा मेरा क्या वजूद इस घर में मुझे तो ये जो बोले वो ही करना है मैं अपनी मर्जी से तो यहाँ कुछ बोल नहीं सकता या तो कर नहीं सकता मतलब गुलाम गुल के मन में एक तो करंट मतलब उस स्थिति की भी गलत भावनाएं फीलिंग्स होगी और पहले का जो अत्याचार सहा होगा उसकी भी गलत भावनाएं होगी फीलिंग्स होगी मतलब जब हम परमेश्वर ने हमें संतान बनाए तो क्या किया पता है हमारे भीतर से सारी गलत फीलिंग्स को वो हटा रहा है वो हमारी शर्म को वो, वो हमारे हमारी नफरत को हटा रहा है जो हमें एक ऑर्ड फीलिंग दे रहा है ना उन सारी फीलिंग्स को परमेश्वर हटा रहा है हटा देता है हाल क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी फीलिंग्स में रहे वो चाहता है कि हम खुश रहे उसके घर में वो चाहता है कि हम आनंद से उसके साथ जुड़े उससे बातचीत करें उससे मांगे उसके सामने अपनी अपनी जरूरतों को रखे सो so, सबसे पहला सबसे पहली बात थी कि रिलेशन में हम आए दूसरा बात था कि हर एक भय दूर करना चाहता है परमेश्वर वो संतान इसलिए बनाता है दास क्यों नहीं बनाता है पर संतान क्यों बनाता है इसलिए बनाता है कि हमारे भीतर से एक एक भय को वो निकाल दे दूसरा तीमोथी एक और साथ में ऐसा लिखा है कि उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है कि फिर से हम दासत्व में आ जाए हम दासत्व में आए वो प्रभु कभी नहीं चाहता है। इसीलिए उसने क्या कौन सी आत्मा दी है सामर्थ की आत्मा दी है अपनी आत्मा दी है, खुद की आत्मा दी है हालिया स्पिरिट ऑफ पावर उसने हमें दिया है सामर्थ की आत्मा दी है आ, इब्रानी दो चौदह पंद्रह आप निकाल के पढ़ोगे इब्रानी दो चौदह पंद्रह इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है आप सुनिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए तो वह मतलब यीशु मसीह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया उसने देह धारण क्यों किया क्योंकि हम हम हमारी भी देह थी है ना हम भी हड्डी चमड़ी लहू मांस आत्मा और प्राण से बने हुए थे सो उसने भी हमारी तरह शरीर धारण कर लिया क्यों क्योंकि वो हमारे साथ आ जाए हमारे समान बन जाए और क्यों? ताकि ताकि मृत्यु के द्वारा क्योंकि मृत्यु के द्वारा ये संभव होना था उसकी मृत्यु के द्वारा ही ये संभव होना था सो उसको मरने के लिए जरूरी था कि एक दैहिक शरीर हो सो दैहिक शरीर उन्होंने धारण किया लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अब मृत्यु पर शक्ति किसको मिली थी शैतान को गौन वाटिका में आप जाओगे उस को पूरा आप ध्यान से पढ़ना, वहां पर लेकर आया मृत्यु को, ले को लाया मतलब पाप को हटाना बहुत जरूरी था तब ही मृत्यु को हटाया जा सकता सो तो अगर पाप वहीं का वहीं रहता है तो मृत्यु भी वहीं का वहीं रहेगा तो इसीलिए और अगर मृत्यु है तो फिर भय वहीं का वहीं है सो अगर भय है तो फिर हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हम दासत्व में ही रहते तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले मतलब वो सच में हमें भय और, और मृत्यु के भय से शैतान के भय से शैतान के दास में दासत्व में से हमें छुड़ा ले छुड़ा लिया उसने प्यारों सारा भय उसने निकाल दिया प्रभु की स्तुति अभी भी भय है प्यारो भाई की सेवा ना करें प्रभु की सेवा करें मेरा कहने का मतलब है कि भाई के विचारों को ना सुने उसके और ध्यान ना ले जाए प्रभु ने आपको सुरक्षा दी है आपकी सिक्योरिटी इंटरनल प्रभु ने आपको यीशु मसीह में दी है उसकी और ध्यान ले जाए प्यारों दूसरा तीसरा था कि उस गु हमको गुलाम क्यों नहीं रखा पर हमको क्यों प्रभु की संतान बनाए ताकि हम एक सलामती एक सिक्योरिटी फील कर सके हाल हम एक सलामती और सिक्योरिटी फील कर सकते देखिए पहला यूहना पांच और अट्ठारह पढ़ेंगे आज का मैसेज बिल्कुल वचनों पर आधारित है और सरल है सिर्फ वचन आप पढ़िए उसमें सारी सच्चाई है पहला यूहन पांच और अठारह ये बात बताती है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता क्या लिखा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है मतलब जिन्होंने अब परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो सभी है पर यह बात नहीं है इसके लिए आप रेफरेंस यही रखिएगा स्क्रीन पर मैं पढ़ता हूं आपके लिए एक रेफरेंस ये रेफरेंस मेरे ध्यान से निकल गया पर यह बोलना बहुत जरूरी है यूहना रक्षित पहला अध्याय और बारह तेरा क्या लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया स्क्रीन पर यह वचन रहने दीजिए क्या जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन है जो उसके नाम पर मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं और उनके लिए कह रहे वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे मतलब उद्धार पाए हुए लोग मतलब यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धार ग्रहण किए हुए लोगों की बात है उन लोगों के लिए स्क्रीन पर जो वचन लिखा है पहला पांच और अठारह वो बात है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ नहीं ना लहू से ना मनुष्य की इच्छा से पर परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं करता पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है लोहिया क्या लिखा है उससे वह अब आप पर है विश्वास करना या ना करना या आपके हाथों में वचन खाली पढ़ने के लिए नहीं है प्यार स्वीकार कर अगर आप इसको विश्वास के साथ अपने भीतर कर लेते हो तो आपके भीतर के बंधन टूटते हैं समझ तो में आ रहा है आपको अगर आप इसको आपके मन में दोहराते हो और उस पर मेडिटेट करते हो हाँ मुझे वो बचाए रखता है मतलब बचाए रखता है मतलब एक कंटिन्यूस टेंटिन्यूअस है ये अविरत रूप से निरंतर आपको बचाए रखता है हाल लोहिया और वह दुष्टों से छूने नहीं पाता है मतलब दुष्ट शैतान उसको नहीं छू पाता है आपको नहीं छू पाता है हमें क्यों क्योंकि लिखा है कि वो पर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए और और आप पाप से दूर रहते हो हाल लोहिया तो प्यारो ये एक सिक्योरिटी है हमारे लिए कि वो हमें बचाए रखता है और शैतान को छूने नहीं देता कुलोसी एक और तेरा निकाल के पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री एक और तेरा कोलोसियों की पत्री एक और तेरा आप मेरे साथ रहिए वचन में प्यारो ध्यान रख दीजिए पूरा प्लीज मेरी गुजारिश की कहीं भी भटकने मत दीजिए अपने ध्यान को देखो क्या लिखा है एक और तेरा उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर क्या लिखा है हमें कहा से छुड़ाया यारो आपको क्या लगता है आपने यीशु मसीह को अपनाया तो कुछ हुआ क्या हुआ पता है आपको अंधकार के वश से छुडा लिया आपको पता भी नहीं मुझे भी पता नहीं था पर जब वचन पढ़ा ना जब पहले तब मेरे ध्यान में आया तो मुझे तो अंधकार के वश से छुड़ाया इसलिए मैं उसके वश में हूं ही नहीं और मैं आ ही नहीं सकता हूं कैसे हो सकता है ये? उसका मेरे पर अधिकार है नहीं क्योंकि मेरी कीमत भी अदा कर ली और अब मुझको तो एक नया स्थान मिल गया है नया मालिक नहीं मिल गया है। नया मुझे पिता मिल गया है मुझे मालिक नहीं मिल गया मुझे पिता मिल गया है हाल इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ हाल लोहिया क्या अपने स्थान के लिए आप खुश हो भले दुनिया में आपका भाई आपके मां बाप आपको बेटा बेटी गिनते रहो या ना गिनता हो पर एक है जिसने आपके लिए जान दी है वो यीशु मसीह जिंदा है और वो आपको अपनी संतान समझता है और वो वो जानता है कि मैंने इसको अंधकार के वश से छुड़ा लिया है देखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर कहाँ लाके रख दिया अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया आप कहीं और आ गए हो भले हम पृथ्वी पर जी रहे हड्डी चमड़ी में पर हमारा आत्मिक हमारी आत्मिक वास्तविकता बदल चुकी है हम यहाँ थे अंधकार की वश में थे पर अब हमारी वास्तविकता ये है कि हम यहाँ पर आ गए हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अधिकार में हम हाँ प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो आप पर उसका अधिकार है शैतान का नहीं है सो शैतान का मत सुनिए शैतान बोले ये करो तो मत करो कर बोले मैं तुझे खत्म कर डालूंगा तो बोलो मैं परमेश्वर के संतान हूँ उंगली भी नहीं अड़ा सकता मुझे मुझ मुझे में की आत्मा नहीं है मैं, दास में, दास, में नहीं हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं इसलिए मैं स्वतंत्र हूं और मेरे पास अथॉरिटी है तो so प्यारो ये हमारे विश्वास को बाहर लाने की बात है ना जब भी कोई ऐसे तूफान आते है जीवन में उस विश्वास को तो अंदर से बाहर ले पर वो कब आएगा बाइबल में लिखा है कि विश्वास तो परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है इस इन वचनों से आएगा इसकी इसकी बात कर रहे हैं और इसको ही हम बंद करके रख देते बाजू पर क्या समझ रखा है इस बाइबल को प्यार पता नहीं प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया तो so, ना हमें गुलाम नहीं पर उसके संतान इसलिए बनाया कि हम उसके परिवार के गिने जाए हमारे अंदर की सारी गलत भावनाएं बैड फीलिंग्स प्रभु दूर कर सके हमें हमें एक सुरक्षित और सिक्योर भविष्य दे सके और चौथा है हमें एक एक आदर और सम्मानित स्थान में हमें रखे इफीसी दो और तीन निकालेंगे इफ्फीसी दो और तीन क्या लिखा है दो और तीन क्या लिखा है पहले दो और तीन सॉरी दो और दो तीन पढ़ेंगे कीजिएगा दो और दो तीन जिन में तुम पहले तुम पहले मतलब उद्धार पाया यीशु में आए उससे पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम मतलब आकाश के अधिकार के हाकिम कौन था शैतान कौन है अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है वो आत्मा शैतानी आत्मा किसके अंदर काम कर रहे है? जो आज्ञा न मानने वाले लोग है उनकी बात है उनके अंदर काम कर रहे तीसरा इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे नहीं मतलब यहां पर विश्वासी के लिए कुछ बातें बताई है पर वो भूतकाल बन गया है कि लालसाओं में जीवन बिताना शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे है, ना? और लिखा है अन्य लोगों के समान स्वभाव इसे क्रोध की संतान थे क्या थे क्रोध की संतान है ना हम क्रोध की बोलिए क्रोध की संतान थे मैं क्रोध की संतान था पर अब मैं यीशु की यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पाया हूं और परमेश्वर की संतान मैं यस तो प्यारों, हमारा स्थान पहले क्या था और अब क्या है प्यारों? ना और में क्या लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है मतलब हम हम कौन सी संतान थे एक तो क्रोध की संतान थे और दूसरा अनाज्ञाकारिता की संतान थे children of disobedience and children of wrath. हम ये थे पर अब क्या है पहला पत्रस दो और नौ में क्या हमें बनाया गया हमारा स्थान तुम एक चुना हुआ वंश हो राजपदधारी याजक हो पवित्र प्रजा हो और क्या लिखा है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो हाल हमारा स्थान के हम क्या थे और क्या बना दिया थे अब देखो तो हम हम चिल्ड्रन ऑफ रैथ मतलब क्रोध की और अनाज्ञाकारिता की संतान थे पर अब क्या है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो आप चुने हुए हो रॉयल पृष्ठ हो आपको एक रॉयल फैमिली में स्थान दिया गया है और रॉयल अल फैमिली ने आपको गुलाम बनाया नहीं कि आपको नौकर के रूप में नहीं रखा गया आपको संतान के रूप में रखा गया है हालेलुया तो प्यारे अपने स्थान को लेकर विश्वास से भरपूर होइए और इस संसार की संघर्ष परिस्थितियां समस्या और वास्तविकताओं का सामना करें क्योंकि यही वास्तविकता आपको स्थिर खड़ा रख सकेगी प्यारे क्योंकि अगर कोई प्रभु के वचन को समझता है मान लेता है और ग्रहण करता है उसके ऊपर चलता है तो चाहे जितनी भी बारिश गिरे चाहे जितनी भी बाढ़ आए चाहे जितनी भी ऐसे तूफान आ जाए वो घर या तो मतलब आप नहीं गिरोगे हेलो लोहिया बात है इंटीमेसी क्लोजनेस बोलिए करीबी है ना क्यों हमें गुलाम नहीं रखा गुलाम और मालिक के बीच में एक अंतर रहता है एक फासला हमेशा बना रहता है पर अगर संतान बना दिया तो कोई फासला रहा नहीं रहा मेरा बेटा आज बोल सकता है पापा ये अपना है ना वो वो बिना पूछे कोई भी चीज में लाता हूं, उस पर वो, वो हक कर सकता है मतलब वो उसको हाथ में ले सकता है नहीं उसको उस ये क्यों ले सकता है क्योंकि उसके अंदर एक ये फीलिंग है उसके अंदर कि ये मेरा है ये अपना है सो तो प्यारो परमेश्वर की आशीष हमारी है ये ऐसा नहीं है कि उनको मिली उनको मिली अब मुझे क्या मुझे थोड़ी मिलेगी आपका हक है उन आशीषों को आपके जीवन में देखना क्या हा हलो लोहिया देखिये करीबी जो करीबी पहले पुरानी वाचा में असंभव थी या तो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए थी याजक लोगों के लिए थी नहीं परमेश्वर ने वो करीबी अब हमारे लिए ओपन कर दी है हाला है। आ, कोई अंतर नहीं रखा कोई फासला नहीं रखा क्योंकि हम उसके करीब बन जाए यहाँ पर हमने उड़ा पुत्र की बात सुनी नहीं तो क्या हुआ वहां पर जब वो दूर से आ रहा था तो क्या हुआ पिता खड़ा खड़ा रहा देखता रहा अब आने दे इसको इसकी बात है अब आया है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं है ना क्या हुआ वहां पर वो दौड़ कर सामने गया और क्या किया गले लगा लिया और भी आगे उसको चूमने लगा लॉर्ड ऐसा हमारा प्यारा पिता है प्यारो इतना प्यारा पिता है हमारा Lord, वो आपको इतना बेहद प्यार करता है वो नहीं चाहता है कि आप दूर रहो क्यों चूमा होगा क्यों गले लगाया क्यों दौड़ा होगा क्योंकि वो उसकी करीबी पिता चाहता है कि ये मेरे करीब रहे हालल और पिता आज भी आपके लिए चाहता है कि आप उसके बेहद करीब रहो पर क्या आप चाहते हो हमारी हरकतें ही हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है प्रभु से नाता तोड़ नहीं देती है पर हमें हमें दूर ले जाती है प्यारो हमारी हरकतें सो सो हमें सोचना है प्यार उसके लिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मुझे नहीं दोहरानी है मेरे सोच विचार क्या क्या सोचता रहता हूं पूरा दिन में किसके बारे में सोचता रहता हूँ कौन सी ऐसी बात है क्या प्रभु की महिमा के बारे में मैं सोचता हूँ प्रभु की प्रभु को ऊंचा उठाऊं या तो प्रभु को प्रभु के सुसमाचार किसी को सुनाऊं किसी को मेरी गवाही सुनाऊं क्या ये सुनाते हैं क्या ये, ये ये अंदर से होता है अंदर से इच्छा होती है ये यीशु के बारे में मैं मेरे परिवार को बताऊं इनको बताऊं बता उनको बताऊं क्या क्या ये होता है हम तो ये सोचते हैं कि कैसे मैं ज्यादा कमाऊं इतनी गड्डी है दूसरी गड्डी कैसे हो तीसरी चौथी पांचवी बंडल कैसे बने ये एक दो नोट का बंडल में तब्दील कैसे हो जाए नहीं हम तो ये सोचते है प्यार तो इस सोच को बोलते हैं सांसारिकता मैं साफ बोलूंगा इस सोच को बोलते हैं शारीरिकता सांसारिकता और सांसारिकता परमेश्वर से बैर है कहीं आप अपने कार्यों में इतने मशगूल तो नहीं हो गए हो ना कि आप आपको लगता है कि हाँ आप परमेश्वर के संतान हो पर प्रभु से दूर हो गए हो उसकी करीबी को गवा चुके हो प्रभु अभी भी राह देख रहा है कि वो वो करीबी में आपको देखे करीबी का संबंध वो चाहता है अब क्या होता है करीबी का संबंध कैसे सिर्फ भगवो का है हर एक बच्चे के लिए है वो और एक लिए के लिए करीबी का संबंध है पिछला अगर संदेश आप मेरा पिछले महीने मैंने बोला था उसमें उन बातों को आप सुनना प्यार वापिस वहां पर मूल बात यह थी अनंत जीवन क्या है क्लोज रिलेशनशिप अनंत जीवन इज नॉट द मैटर ऑफ टाइम लेंथ ऑफ टाइम इटर लाइफ इज नॉट द मैटर ऑफ लेंथ ऑफ टाइम नहीं एक, एक समय की लंबाई समय अवधि उस उसको लेकर नहीं है इटरनल लाइफ इटरनल लाइफ करीबी की बात है रेफरेंस खोलकर हमने पढ़ा था वो सब नहीं देखेंगे पर प्यारो प्रभु यह चाहता है कि करीबी का रिश्ता गुलाम एक फासले में रहेगा दास एक फासले में रहेगा पर संतान बहुत करीब और एक हो जाएगा देखिए युहन्ना यूहन्ना सत्रह और तीन पढ़ोगे आप निकालकर यूहना सत्रह और तीन जल्दी निकालिए यूहना सत्रह और तीन मैं पढ़ूंगा और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने अब यह जाने के लिए जो शब्द है ग्रीक बाइबल में उसका मीनिंग होता है, वो है गिनोस्को अब गिनोस्को का मीनिंग यह होता है कि जैसे हस्बैंड और वाइफ एक दे है जो क्लोज रिलेशनशिप उनके बीच में है वो क्लोज रिलेशनशिप हाला वैसी क्लोज रिलेशनशिप प्रभु यहां पर चाहता है गिनोस्को और इसका दूसरा मीनिंग है नॉलेज ऑफ रिवलेशन मतलब प्रगटीकरण के द्वारा मिला हुआ ज्ञान इंटेलेक्चुअल मिला हुआ ज्ञान नहीं किसी ने बांटा और सुना हुआ ज्ञान नहीं पर प्रगट किया हुआ ज्ञान अनंत जीवन यह है मतलब वो है कि जिसमें हम परमेश्वर के करीबी में जीवन जीते हैं उसके साथ चलते उससे बातें करते हैं और वो कुछ प्रकट करता है हमारे जीवन में वो वो हमें वचनों से प्रकट करता है क्या कभी आपने वचन को खोलकर प्रयास किया कि प्रभु प्रगति प्रकट कर तो इसमें से कुछ रिवील कर इस भूख के साथ कभी आपने बाइबल पढ़ा अरे प्रगटीकरण के लिए तो दास है ना प्रभु के और यूट्यूब है ना उस पर सुन लेंगे इसको क्यों है भाई आदम की पत्नी उसके दूसरे संतान कैसे आए अरे वो तो यूट्यूब पर है वो देख लेंगे क्या क्या ये है कि हम खुद बैठते हैं हमें बैठना है प्यारो अगर नहीं बैठते हैं तो संतान हमें बनाया प्यारो क्यों संतान बनाया है क्योंकि प्रभु हमें करीबी में देखना चाहता है दूसरी आयत आप पढ़ोगे पहला कोरोन थी और सत्रह ऐसा ज्ञान नहीं जो नेचुरल सेंसेस से आता है पर ऐसा ज्ञान जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है और वो सिर्फ हमारे रूम को बंद करके जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताने बैठते हैं तब की बात की बात हो पता नहीं आपका नियम क्या है प्रार्थना में प्रभु के चरणों में बैठने का बाइबल पढ़ने का बाइबल के वचनों पर मेडिटेट करने का पहला क्रंथी छह और सत्रह इस प्रकार कहता है लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एकतन हो जाता है क्योंकि लिखा है वे दोनों एकतन होंगे और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है कौन कि जो प्रभु की संगति में अब यहाँ छे और सत्रह में जो संगति में रहना जो शब्द है ना उसका इंग्लिश में शब्द है ज्वाइन और उसका मूल ग्रीक शब्द है कोलाओ के ओ डबल एल एओ कोला उसका मीनिंग होता है टू ग्लू या तो फास्ट एंड फर्मली टूगेदर मतलब एक गजब के बंधन में बंधे रहने की बात Hallelujah. एक आपके दोनों हाथ को आप मिलाइए ऐसे ऐसे जोर से मिलाइए कितनी ताकत से मिला सकते हो आप कितनी ताकत है आप में ये ये, ये दोनों हाथ आप ऐसे मिलाओ स्क्रीन पर देख रहे ऐसे मिलाओ आप ऐसे एकदम तो और टाइट करो और टाइट करो अब आप सोचो अब एक दूसरी बात इस हाथ में और इस हाथ में एक ट्यूब फेविक्विक और दूसरे हाथ में दूसरी ट्यूब फेविक्विक ले लो और फिर जोड़ा दो क्या क्या ये ये खुलेगा सोच सकते हो <laughs> नहीं खुल सकता है मतलब प्यारो कहने का मतलब ये है प्रभु ने संतान हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाए हम उसके साथ एसिटाइट वी हैव टू फास्टर्न आवर सेल्फ फर्मली विद गॉड हमें बिल्कुल एकदम चोर से परमेश्वर के साथ अद्भुत तरीके से बंधन में रहना है उसके साथ हालेलुया आप सोचो ये ये प्रभु का वचन हमें कहते हैं इसका मतलब है कि प्रभु यह चाहता है आपसे यह रिश्ता चाहता है उसके साथ हालेलुया बाइडिंग मतलब उसके साथ बने रहो जुड़े रहो कंटिन्यू निरंतर उस संगति में, निरंतर उस उस जोड़ में बंधे रहो इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता रिश्ते को बाइबल में कलिसिया और यीशु मसीह के रिश्ते के साथ कंपेयर किया ये पति पत्नी का रिश्ता और ये यीशु मसीह और कलिसिया करे सर प्रभु इसको एक लेवल में रखा है बाइबल में बाइबल में ये बात बताइए कि जैसा यीशु कलिसिया से प्रेम करता है वैसा ही पति अपनी पत्नी से प्रेम करे दोनों मतलब परमेश्वर कह रो कितना अद्भुत है कि हमें बस कहने का तात्पर्य यही है कि क्लोज रिलेशनशिप प्रभु चाहता है नेक्स्ट uh, uh, बात है वो हमें संतान क्यों बनाता है क्यों हमें संतान बनाया और कुछ क्यों नहीं गुलाम क्यों नहीं बनाया क्योंकि हम दूसरा एक रीजन है क्योंकि हम उसकी क्या बने उसके इनहेरिटेंस को मतलब उसकी विरासत को हासिल करें उसकी विरासत को पाले मतलब हम उसके वारिस हो जाए अब आप मेरे लिए गलातियों की पत्री चार और सात निकालना गलातियों की पत्री चार और सात गलातियों की पत्री चार और सात बस पांच मिनट में हम पूरा कर रहे हैं गलाती चार और सात क्या लिखा है यहां पर सॉरी छे और सात गलातियों की पत्री चार छ और सात लिखा है और तुम कलिश के लिए लिखा है तुम आप उंगली उठाकर अपनी तरफ लाइए मैं और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है कहाँ भेजा है कहा भेजा है हमारे हृदय में भेजा है मतलब पवित्र आत्मा कहां भेजा है और अब अभी कहा है और हम तो ये गा रहे प्रभु आ पवित्र आत्मा आ अरे पवित्र आत्मा तो आ चुका है अंदर है ये ये आने की बात कौन सी है पता है सेवकाई अभिषेक की बात है जिसके लिए पवित्र आत्मा पचासवें का दिन जब उतरा उन प्रेरितों को यह बोला गया था कि पवित्र आत्मा तो तुम में है उनके ऊपर सांस फूका था यीशु मसीह ने पर एक और अभिषेक आना बाकी था जो सेवकाई का अभिषेक था जो यीशु मसीह को महिमा देने का इस संसार में यीशु मसीह के गवाह बनने का अरे हम गवाह तो बनते नहीं है और मांग मांग करते आ, आ भर दे भर दे अरे पर आप खाली कब होते हो जो भरा है उसको खाली तो कीजिए संसार में फिर प्रभु आपको भरेगा ना और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं एक दो दर्शन मिल गए एक दो स्वप्न अच्छे आ गए हम तो दो तीन फुट हवा में उड़ने लगे एक दो स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या ध्यान में आ गए, हम तो हवा में उड़ने लगेंगे प्यारो सो so, प्यारो ये बात नहीं है उसका आत्मा हमें क्यों दिया गया है ताकि हम उसके संतान कहलाए और संतान कहलाए तो क्या होगा सातवी आय इसलिए तू अब दास नहीं है लो गलाती चार और साथ में लिखा है इसलिए क्यों इसलिए कि मेरे में मुझ में मेरे हृदय में पवित्र आत्मा भेजा गया है इसलिए मैं दास नहीं हूं आप कहे अपने इस सच को स्वीकार करे कहे जब बीमारी हो कोई भी परिस्थिति खराब हो आप कहे मैं दास नहीं हूं मैं इन दवाइयों की गुलामी नहीं करूंगा मैं इन मैं इस परिस्थिति की गुलामी नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं दास नहीं हूं मुझे स्वतंत्रता की आत्मा पवित्र आत्मा मिली है पहले प्यार अपने विश्वास को डिक्लेयर कीजिए आप रूम बंद करने की बात क्यों की है परमेश्वर ने प्रार्थना में कि अपने रूम को बंद कीजिए और वहां पर प्रार्थना करो और गुप्त में देखने वाला पिता तुम्हें गुप्त में तुम्हारा बदला देगा क्या बदला देगा डिलीवरेंस छुटकारा आपके ऊपर से शारीरिकता के बंधन प्रभु तोड़ देगा और आपको आत्मा में एक नया नया तरोताजा प्रभु बना देगा हालां आप तू दास नहीं है परंतु पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा है पुत्र हुआ तो धीरू भाई अंबानी का नहीं बिल गेट्स का नहीं जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति संसार के बड़े बड़े धनवान गिने जाते हैं इन इनको इनको बोलते हैं ना कि एक एक धूल के कण से भी छोटा कर देने वाला हमारा खुदा है उस खुदा के आप बेटे, उस खुदा खुदा के के आप बेट, आप बेटे हो हो वारिस जो है वो आपका है इसलिए कोरोन्थियो में एक जगह लिखा है सब कुछ तुम्हारा है क्यों भाई क्यों सब कुछ हमारा हो गया क्योंकि सब कुछ कुछ उसका है और हम उसके वारिस है इसलिए सब कुछ हमारा है कह सकते हैं so, वो हमारी जरूरतों को भी पूरी करना चाहता है और वो हमें उसके वारिस बनाना चाहता है देखिए हेयरशिप इंग्लिश में बोलते हैं हेयरशिप और 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 ये वारिस होना और जिसको बोला जाए कि ये वारिस वो ही लोग हो सकते हैं जो लोग सिर्फ संतान होते जिनके बीच में सिर्फ लहू का रिश्ता होता है, है ना? आ, मतलब पिता की और पुत्र क्योंकि लहू की सगाई है उनको ये वा, विरासत मिलती है जो पिता का है वो उनका होता है अब समय में पता एक और चीज थी कि जो सबसे पहला बेटा होता था सबसे बड़ा बेटा होता है जब दूसरे भी बेटे होते थे चार पांच भाई होते उसमें सबसे बड़ा होता उसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है प्रभु यह कहना चाहता है कि उसकी विरासत में आप आपके लिए बहुत कुछ है, आपके लिए कभी भी कम नहीं होने वाली ऐसी विरासत उसने रखी आपके लिए और ये विरासत आपको कमानी नहीं पड़ेगी क्यों? क्योंकि आपको अनुग्रह आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है। सैलरी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है देखिए सैलरी कमाई जाती है सैलरी के लिए मेहनत की जाती है पर ये अनुग्रह के लिए आपको मेहनत नहीं करनी अनुग्रह वही होता है जो बिना मेहनत के unmerited un un जिसको कमाया नहीं जा सकता जिसके लिए हम डिजर्व अपने आप को बना नहीं सकते मतलब योग्य बना नहीं सकते कि मैं अब योग्य हूं अब मुझे दो नहीं ये तो सिर्फ उसके बेटे के क्रूसि बलिदान के द्वारा ही संभव हुआ है और इसीलिए हम प्रभु भोज मनाते हैं हालेलुया अनमेरिटेड मेरिट मतलब कोई मेरिट के बगैर हमें उसकी विरासत मिल गई या तो हम उसके वारिस हो बिना कोई मेरिट के मतलब कुछ भी कि ये बगैर कुछ भी उच्च तम आ, क्या बोलते हैं उसको प्रतिभा दिखाए बगैर हमें मिल गया नहीं संसार में मैरिट मतलब हमारा परफॉर्मेंस जितना अच्छा उतना ज्यादा हम ऊंचे यहाँ पर ऐसा नहीं है प्रभु ने हमें वो अनुग्रह दिया है और वो है उसका आत्मा पवित्र आत्मा इसीलिए उस पवित्र आत्मा की वजह से आप उसके वारिस बने हो इसीलिए यहाँ लिखा है कि अब तो दास नहीं परंतु पुत्र है और जब पुत्र हुआ है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है हाला और इसीलिए एक आयत है मैं पढ़ लेता हूँ ऐसे ही आप निकालना नहीं एफ सी तीन और बीस में लिखा है वो बिनती और समझ से बढ़कर हमारे अंदर काम करता है आपने सोचा भी ना हो ऐसा इसीलिए याकूब पांच और छब्बीस में ऐसा लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली अधिक प्रभावशाली रहती है सो so ये उसके हम उसके हम होने के नाते प्रभु की संपत्ति को प्रभु की विरासत को हमारे जीवन के लिए हम पा सकते और ये ये हमसे दूर नहीं है वो हमारे पास है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है हा मेन हालाया एक बात कहकर मैं पूरा करना चाहूंगा और महत्वपूर्ण बात है और वो है डिसिप्लिन प्रभु ने संतान क्यों बनाया आखिरी मुद्दा में कहकर पूरा करूंगा डिसिप्लिन बोलिए डिसिप्लिन या तो मैं कहूंगा शिष्यता ओके देखिए पराए बच्चे को घर में लाकर सिखाया नहीं जाता है मेरी बात समझिए आप पराए बच्चों को घर में लाके हम सिखा नहीं सकते हैं मुझे मुझे लगता है कि उस बच्चे को मैं सिखाऊं, उसको पढ़ाऊं, लिखाऊं, कुछ करूं तो मैं मेरे घर में लाके नहीं कर सकता हूं मैं मुझे ये अथॉरिटी नहीं है पर अगर मुझे उसको कुछ सिखाना है तो कायदे के अनुसार वो मेरा संतान होना बहुत जरूरी है ना सो इसीलिए प्रभु ने हमें संतान बनाया है कि वो परमेश्वर हमें उसके वैल्यूज उसके मूल्य सिखाए उसकी दिल की बातें

और वो आपको मुझको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि मुझे सीखना है अब आये ना, बात। मुझे भी, मैं सेवक ना मुझे भी सीखना है मैं पास्टर हो गया रेवरेंड हो गया तो इसका मतलब ही नहीं कि मैं सीख गया हूं बाइबल मेरे अंदर हो गया सब पूरा कंप्लीट अब अब पूरा हुआ नहीं 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 मुझे बहुत सीखना है अभी हर एक बच्चे को सीखना है प्रभु की हर एक संतान को सीखना है पूरा नहीं हो गया है मैं प्यारो मेरे अंदर कितनी नादानी थी जब मैं बहुत शुरुआत के समय में प्रभु में आया था मैं ये समझता था बाइबल को दो एक आध बार पढ़ लूंगा ओ मतलब सब पूरा हो गया मेरा मेरा काम पूरा हाँ बाइबल पढ़ लिया सो मेरा सिलेबस पूरा हो गया ये ये कोई संसार की कोई किताब नहीं है प्यारो जिसको पढ़कर पूरा करना है यही हमारा पूरे लाइफ टाइम का सिलेबस है ये ये लाइफ टाइम का सिलेबस है दिख रहा है आपको स्क्रीन में ये लाइफ टाइम का सिलेबस है हमारा इसको लेकर जीना है हमें हर दिन हर पल अपनों को ही हम सिखा सकते हैं प्यारो हमें हमें प्रभु सिखाना चाहता है कि रिस्पेक्ट करना है हमें किसी का देखिए मेरे साथ ऑनर करना है हमें आज्ञा आज्ञाधीन रहना है देखिए मेरे साथ पहला यूहन दूसरा अध्याय आप निकालें पहला यूहन दूसरा अध्याय यूहना दूसरा अध्याय और नौ से ग्यारह पढ़ेंगे इसमें लिखा है जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं मतलब परमेश्वर में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में अंधकार ही में है क्या लिखा है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है यह एक डिसिप्लिन संसार में नहीं होगी कि दिखावे का प्यार पर यहाँ पर तो सच्चा परमेश्वर है प्यारो जो हमारे मनों को जांच लेता है कि हम सच में प्यार रखते हैं कि दिखावटी प्यार रखते हैं है ना वो हमारे मनों को जांचने वाला इसीलिए लिखा है कि वो अभी तक अंधकार में है क्योंकि अपने आप को तो वो ज्योति में है यह कहता है पर अपने भाई से बैर रखता है दसवीं आदि के जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है हाला जो अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रह, रहता है और ठोकर नहीं खा सकता में लिखा है पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहा अंधकार में है दूसरा अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि अंधकार कहा जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी सो so, प्यारो आत्मिक जीवन में ये बात बहुत बहुत ध्यान रखने वाली बात है और वे है भाईचारे का प्रेम एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रेम अपने भाइयों बहनों पर निस्वार्थ प्रेम रखना क्योंकि यीशु ने परमेश्वर ने भी निस्वार्थ प्रेम रखा है सो so, यह निस्वार्थ प्रेम निस्वार्थ प्रेम क्या होता है कुछ भी पाने की चाहना न हो नहीं? कि भाई मैं इसको प्रेम इस पर प्रेम रखूं ताकि वो मुझ पर भी प्रेम रखे और मैं इसका अच्छा रखूं ताकि वो भी मेरा अच्छा रखे तो so, प्यारो रिश्ते नातों का इस्तेमाल करने की बात नहीं है ये ये ध्यान रखना है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इनसे रिश्ता रखो ये हमारे काम आएंगे ये विश्वासी अच्छे हैं ये गरीब नहीं है ये पैसे वाले हैं, इनके तो दो माले का मकान है इनसे रिश्ता रखो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो पैसे देंगे पर वो बेचारा गरीब इनसे रिश्ता अरे चलेगा उसके पास क्या है कि रिश्ता रखे अरे यार ये सांसारिक सोच है और ऐसे लोग सोच रखने वाले जिंदगी में कुछ भी प्रभु से नहीं पाएंगे कंगाल ही रहेंगे और कभी ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि वो अंधकार में रहना है वो उन्होंने पसंद किया है वचन सीखने के बावजूद उन्होंने अंधेरे में रहना पसंद किया है ये प्रभु उनको अंदर रखता है ऐसा नहीं है उन्होंने खुद ये स्थान चुना है अधोग और वो नीचे जा रहे हैं ऐसे लोग So, प्यारो, प्रेम भी चीज है एक वैल्यू है परमेश्वर के राज्य में जो भाईचारे का प्रेम जिसको बोला गया भाईचारे का प्रेम प्रभु चाहता है दूसरी दूसरी एक आयत पढ़ेंगे चौथा अध्याय पहला यूहना चार और सात आठ लिखा है हे प्रियो हम लिखा है हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है क्योंकि प्रेम परमेश्वर परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है परमेश्वर से जन्मा उसकी संतान क्यों क्योंकि हमें प्रेम रखना है प्रभु चाहता है कि ये मेरी संतान होगी और ये मेरी संतान ही मेरा प्रेम ले जा सकती है ये नहीं ले जा सकते ये सांसारिक है ये ये सांसारिक है ये नहीं ले जा सकते ये ले जा सकती क्योंकि इसके अंदर मेरा आत्मा मैंने रखा है सो प्यारो इसीलिए बाइबल पढ़िए इसको कहीं से भी निकाल के मत पढ़िए और हो सके तो नए नियम को समझिए पहले नए नियम की जो सत्ताईस किताबें हैं ना उसको पहले समझिए अच्छे से फिर पुरानी वाचा में जाइए पुरानी वाचा में अगर पढ़ना है तो कुछ आए थे आप भजन संहिता या तो नीति वचन में सबोपदेशक में से पढ़े पर कुछ बात ऐसी है कि जो आपको पुरानी वाचा में ऐसी खींच लेगी पकड़ कर रख लेगी कि आपको परफॉर्मेंस बेस्ड रिलेशनशिप में ले जाएगी यहां पर क्या लिखा है कि आपस में प्रेम रखे क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर से जन्मा है जो कोई प्रेम करता है और लिखा है और परमेश्वर को जानता है हाँ भाई सब बोलते हैं? मैं जानता हूँ प्रभु को जानता हूं वो बोलेगा मैं भी जान, अरे तू क्या जानता है मैं तो इतने सालों से हूं मैं तो बीस सालों से तू तो दो साल से ये प्रभु को जानता है अरे तू बीस साल से फिर भी तेरे भाई को ऊपर बैर रखता है पर ये दो साल से आया हुआ ना सब कुछ अपने भाई बहनों पर लुटा दे रहा है कौन प्रभु को ज्यादा जानता है आप कहोगे कौन प्रभु को ज्यादा जानता है कौन प्रभु को ज्यादा जानता है जरा जांचिए अपने जीवन की उन व्यवहारों को जो आपने लोगों के साथ किए हैं जांचिए थोड़े व्यवहार आपने लोगों के साथ किए हैं क्यों वो व्यवहार किए क्योंकि वहां से कुछ आने वाला है ऐसे व्यवहार कभी किए जहां से कुछ भी नहीं आएगा जहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता जो प्रेम नहीं रखता जो अपने भाई पर बेर रखता है साफ प्रभु कहता है मैं नहीं कहता हूं वो परमेश्वर से परमेश्वर को नहीं जानता आगे एक और आयत निकालेंगे पहला युवा तीन चौदह पंद्रह ऐसा लिखा है हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं अरे हम कहने को तो बहुत कहते हैं कि हम नई वाचा की संतान है प्रभु बोझ में क्या, क्या 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 हम बोल लेंगे कर लेंगे पर लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है वो मृत उसका स्पिरिचुअल लाइफ डेड है भले वो पूरी बाइबल अपने मुंह पर मुंह जुबानी रखता हो और उसका स्पिरिचुअल लाइफ डेड है प्यार समझ में आ रहा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहे अनंत जीवन मतलब करीबी प्रभु की करीबी हो ही नहीं सकती है अगर हम में प्रेम नहीं है तो सो तो प्यारो अगर किसी से बैर है आप में किसी को भाई बहनों की बहन बहनों के बीच में तो पहले मामला सुलटा ले और फिर प्रभु के आगे आके हले लोया फ्रेस दलौट करे या तो हले लोया फ्रेस दलौट करने से पहले ही मामला सुलटा ले और अपने भाई बहनों को अपना ले ये कम काम करती है मैं ज्यादा करती हूँ ये कुछ नहीं करती है ये वो करती है ये ये कुथली करती है अरे सब छोड़ो प्यारो प्रभु का प्यार बदलेगा आपका भाषण किसी को नहीं बदल सकता है प्रभु का प्यार बदलेगा आपके भाषण से वो घर छोड़ के चले जाएंगे आपके भाई बहन और माँ बाप मैं आपको भी बोल सकता हूँ एज ए पास्टर एक पास्टर होने के अपने बच्चों को सुधारने की जगह प्यार कीजिए सुधारने के लिए कुछ डिसिप्लिन जरूरी है पर हर हमेशा छड़ी रखोगे आपके बच्चे आपसे दूर भाग जाएंगे प्यार रखिए प्यारों अनुशासन बच्चों में नहीं अनुशासन हमें लाने की जरूरत है तब बच्चे बदलेंगे हमें प्रभु को प्रेम करना है तब बच्चे प्रभु को प्रेम करेंगे और प्रभु को प्रेम करना इसका मतलब है आज्ञा मानना हम तो पड़ोसी से बैर रखेंगे क्या हमारे बच्चे हमारे हमारे साथ रिश्ते में आएंगे क्या अनुशासन में रहेंगे कुछ सीखना है प्यारो देखिए ये या इसको तो बाइबल की बातें और हम अपनी बातें ऐसा मत रखिए नहीं तो हमारा रिश्ता कभी भी हम प्रभु के साथ करीबी में नहीं ले जा पाएंगे सो प्यारो यहाँ तक काफी है और और भी कुछ है जो हम समय मिला तो बाद में देखेंगे पर उसने संतान इसीलिए बनाया है कि हम उस, उसके लिए उसकी महिमा करें प्यारो बातों को हम देख जाएंगे कि हमारे अंदर से प्रभु सारी गलत भावनाएं गलत फीलिंग्स प्रभु निकाल देना चाहता है इसलिए प्रभु हमें उसकी संतान बनाते हैं हमें हमें एक रिश्ते में बांधना चाहता है उस रिश्ते से हर एक भय को प्रभु दूर करना चाहता है हमें निर्भय जीवन देना चाहता है हमें एक सलामत जीवन देना चाहता है सिक्योरिटी हमें देना चाहता है हमें हमें परमेश्वर एक डिग्निटी से भरा हुआ मतलब एक सम्मानित और मानवंत स्थान प्रभु देना चाहता है प्यारे भले संसार में मान ना हो पर मैंने इसको छुड़ाया है अब ये मेरा है और मैं इसको ऊंचा उठाऊंगा मैं इसको शिरोमणि बनाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है पुराने नियम में बहुत सारी बातें वो भविष्यवाणी की बातें थी प्यारे पर ये ये वास्तविक हुई है यहाँ पर यहाँ पर ये वास्तविक हुई है तो संहिता इक्यानवे में लिखा है ना नाइनटी में कि इसने मेरा नाम जाना इसलिए मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा प्यारो हमने यीशु का नाम जान लिया है उसके पास आ गए इसलिए वो उठाएगा जरूर वो वो हमें ऊंचे स्थान पर ले जाएगा कि हम उसके करीब हो जाए करीबी का जीवन जिए प्रभु ये चाहता है प्रभु चाहता है कि हम उसके प्यार का एहसास करें अनुभव करें कि उसके प्रेम की कितनी ऊंचाई है चौड़ाई है गहराई है प्रभु चाहता है कि हम उसके वारिस बने उसका जो है वो हमारा हो जाए वो ये चाहता है कि हम उसके पास जो है उसका इस्तेमाल करें उसकी अच्छी बातों का अच्छी विरासत का इस संसार में इस्तेमाल करें और इसीलिए आखिरी बात वो हमें हमारे जीवन को शिस्त बद्ध डिसिप्लिन में लेना चाहता है वो हमें उसके वैल्यू सिखाना चाहता है वो चाहता है कि हम हमारे भाई बहनों को हमारे आसपास के लोगों को हमारे अपनों को कलिसिया वाले जितने भी है हम कलिसिया के अंदर अंदर भी एक दूसरे को मान दे मैंने कुछ रेफरेंस नहीं निकलवाए इसमें एक जगह लिखा है कि मान देने में एक दूसरे से बढ़ चलो मान देने में सम्मान देने में एक दूसरे से बढ़ चलो प्रभु चाहता है ऐसी डिसिप्लिन ऐसा व्यवहार हमसे हो कि हम दूसरों को मान और सम्मान दे रिस्पेक्ट करे उनका ऑनर करे तो ये सब बातें तो भी हो सकती है कि जब हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हो और अगर हम जन्मे हैं तो हम उसकी संतान है और संतान होने के नाते हम से डिसिप्लिन प्रभु चाहता है वो चाहता है कि हमारे माता पिता का हम रिस्पेक्ट करें आदर करें हमारे रिश्तों का हमारी पति पत्नियों का हम रिस्पेक्ट करें प्यारो प्रभु यीशु कभी भी दूसरों के सामने हमें नीचा नहीं दिखाता है प्रभु हमेशा ऊंचा उठाता है क्या आप अपने पति को या पत्नी को नीचे गिराते हो लोगों के सामने कभी अगर ऐसी आदत है तो प्रभु से माफी मांगे क्षमा मांगे आपके आत्मिक जीवन जीवन में बहुत बड़ी दरार है प्यारो जितने भी हस्बैंड और वाइफ ये सुन रहे हैं प्यारो आप सुनिए आपके हस्बैंड और वाइफ को सम्मान देना सीखिए चाहे जैसे भी हो कलिस जैसी भी है परमेश्वर उसको सम्मानित करती है सो प्यारो मान सम्मान देने की बात खुद घर में से शुरू होगी बाहर वालों को सम्मान दो घर वालों का अपमान करो प्रभु ने ये कभी नहीं सिखाया है भाई भाई का अपमान करे बहन बहन का अपमान करे प्रभु ने कभी नहीं सिखाया बाहर जाके पास्टरों का पास्टरों को मान सम्मान दो अगवों को दो जो ऊंचे स्थानों पर है उनको मान दो प्रभु प्रभु घर में ये रिवाज नहीं है ये संसार में ये रिवाज है अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो अपने नियम को अपनी आदतों को बदलिए आज ही प्रभु के पास अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु हमसे पवित्र जीवन चाहता है प्यारो कि हम पुरानी अभिलाषाओं से पुरानी लालसाओं से छूट कर नए जीवन में अपने चाल चलन में सारे चाल चलन में पवित्र हो जैसा वो पवित्र है वैसा हम पवित्र बने आइए दुआ करते करते प्रार्थना करें अपने आंखों को बंद करें सिर को झुकाए दुआ करें प्यारो हम धन्यवाद करें प्रभु से कि उसने हमें उसकी संतान बनने का अधिकार दिया ऐसा ऐसा तो हमें क्या कर दिया कि हमें संतान होने का अधिकार मिल जाए आपने और मैंने कुछ नहीं किया प्यारो ये तो यशु ने किया है यशु ने बलिदान दिया है ना इसीलिए हम हम उसकी संतान बन सकते हैं नहीं तो हमें संतान बनने का अधिकार नहीं था पिछले 2000 वर्षों से इस संसार के हर मनुष्य को सं, परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला है क्योंकि 2000 साल पहले यीशु आए संसार में उन्होंने अपना प्राण दिया और हमारे लिए पूरी कीमत चुकाई ना सिर्फ हमें छुड़ाया पर अपना बेटा भी बना लिया अपने पास रख लिया अपने करीब ले लिया उसने धन्यवाद करें कि आपको करीबी के रिश्ते में प्रभु ने बुलाया है धन्यवाद दे कि आपको प्रभु ने अपना वारिस ठहराया है धन्यवाद दे परमेश्वर का कि आपके अंदर से भय की आत्मा को प्रभु ने निकाला है धन्यवाद करे कि आपको सामर्थ की आत्मा मिली है धन्यवाद करे परमेश्वर का कि आपके अंदर की सारी गलत भावनाएं गलत बैड फीलिंग्स आप में से प्रभु ने दूर की है अगर नहीं हुई तो पवित्र आत्मा को याद करें जो आपके अंदर भीतर प्रभु ने भेज दिया है वो साबित ही है वो प्रमाण है कि आपको परमेश्वर ने अपना बना लिया है प्रभु से कहे प्रभु अगर ऐसी कोई बात है, आपके ध्यान में आती है आप प्रभु से माफी मांगे प्रभु से कहे मुझे क्षमा कर प्रभु कि मैं अपने आप को बहुत छोटा समझा हूं नम्रता की बात अलग है पर कई बार हम हमारी वास्तविकता को ही स्वीकारते नहीं है और हम अपने आप को झूठ थी नम्रता में प्रभु के सामने रख आपको प्रभु ने उठाया है प्यारों। नम्रता एक दूसरे की सेवा में लेनी है प्रभु की सेवा में लेनी है। प्रभु हम धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु ये मेरे वचन नहीं था परमेश्वर ये आपका दिया हुआ वचन था प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना करता हूं, हूं प्रभु इन वचनों को आधार बनाकर इन वचनों को नींव बनाकर सुनने वाले हरेक को और मुझको हम सबको इसके ऊपर काम करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु हमारा जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु हमारे अच्छे कर्मों पर हमारा जीवन कभी टिक नहीं सकता है तेरी सच्चाई पर ही हमारा जीवन टिक सकता है प्रभु और तेरे सत्य को छोड़कर कुछ नहीं है जो हमें टिका सके बाकी सब झूठ है तेरे वचन को छोड़कर प्रभु अगर हम झूठ पर बांधते हैं तो हम कभी भी नहीं टिकेंगे। हम आज प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारा स्थान बदला है प्रभु ये समझने के लिए हमें अनुग्रह दे हम संसार में प्रभु प्रभु बचाए हुए हैं, छुड़ाए हुए हैं अलग किए हुए हैं हम दास नहीं है गुलाम नहीं है कि हम वापिस गुलामी में फंस जाए प्रभु हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं है कि हम परिस्थितियों की गुलामी करें हम बीमारी के गुलाम नहीं है कि हम बीमार ही रहे और बीमार ही पड़े रहे प्रभु हम भय के गुलाम नहीं है कि हम सर्वदा किसी न किसी बात के भय में चलते रहे प्रभु आपने हमें स्वतंत्र किया है और आज हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु स्वतंत्रता में चलने के लिए अनुग्रह दे आपने आपके पुत्र की आत्मा को इसलिए भेजा है हमारे हृदयों में कि हम पुत्र बन जाए आपके और आपके वारिस ठहरे हम कंगाल न रहे पर हम आपके वारिस बन जाए प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस सच्चाई को इस वास्तविकताओं को ग्रहण करने के लिए हम सभी की मदद कर प्रभु शैतान की हर युक्तियों को जो इस सच्चाई से हमेशा हमें बेपर्दा रखने का प्रयास में है हमें हमेशा झूठ के बंधनों में रखने के प्रयास में है इस सच्चाई को ग्रहण करने के विरोध में है ऐसी हर एक शैतान की आत्माओं को हर एक जुटी शिक्षा के बंधनों को ये के नाम से मैं अकेलेपन का शिकार हुए हैं आज जो लोग डिप्रेशन में है आज जिन लोगों को लगता है कि शैतान हमारे जीवन पर बार बार हावी हो जाता है ऐसे लोग है कि जो जो बार बार शैतान के द्वारा सताए जाते हैं हम आज आपके लिए दुआ करना चाहते हैं बार बार बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाती है हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं अगर आप कोई आर्थिक मुसीबत में फंसे हुए हो आर्थिक कंगाली में आ पड़े हो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने इन बातों को ध्यान से सुना है आज उनकी बीमारी चली जाए आज उनके बंधन टूट जाए प्रभु और जो लोग प्रभु तकलीफ में है समस्या में है प्रभु हम प्रार्थना करते आज प्रभु होने के नाते सारी सारी गुलामी चाहे वो आर्थिक कंगाली की हो गरीबी की हो किसी श्राप की हो शैतान की किसी परेशानियों की हो किसी उलझन की गुलामी हो या किसी अज्ञानता की गुलामी हो या किसी बीमारी की गुलामी हो शैतान की गुलामी हो कोई ऐसी चीज की जो शायद किसी को कह ना सके ऐसी बुरी आदत की गुलामी हो आज यीशु के नाम में प्रभु के दास होने के नाते हम मिलकर उन सारी गुलामी को सारी बंधुआई को हम तोड़ते ही यीशु के पड़े पवित्र और ठाक नाम से हम तोड़ते हैं आज्ञा करते हैं सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए हम आजादी को डिक्लेयर करते हैं इनके जीवनों में यीशु के नाम में आजादी को डिक्लेयर करते हैं प्रभु तू इनको उठा प्रभु तू इनको उठा प्रभु यीशु तेरे क्रूसीय बलिदान से प्रभु तूने पूरी कीमत चुकाई है छुटकारे की यीशु के नाम में हम छुटकारा बोलते हैं यीशु के नाम में छुटकारा बोलते विश्वास से ग्रहण करो प्यारो विश्वास से कहो आमेन विश्वास से कहो मैं लेता हूं मैं आर्थिक कंगाली में से बाहर आ रहा हूं कहो मैं कर्जे में से बाहर आ रहा हूं क्योंकि यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया है पास्टर ने प्रार्थना की इसलिए नहीं पर यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया है इसलिए बीमारी पा रहा हूं मैं यीशु के नाम में श्रापों से बाहर आ रहा हूं शैतान की परेशानियों से मैं बाहर आ रहा हूं और उलझन और अज्ञानता के बंधनों से बाहर आ रहा हूं कहे कहे प्यारो अपने विश्वास को मुंह से बोल कर करे कंफैस करे ग्रहण करे अंगीकार करे अपने विश्वास को प्यार हो लाल प्रभु हम प्रार्थना करते पिता आपकी शांति तो बोलते इनके जीवनों के ऊपर यीशु के नाम में हम शांति को बोलते इनके जीवनों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम में शालोम बोलते इनके जीवनों के ऊपर प्रभु तो उठा और बना और फिर से तेरी महिमा का पात्र बना जिन लोगों ने अपने जीवन को प्रभु से दूर कर दिया है अगर किसी ने अपने आप को रीडेडिकेट किया है पुनः स्थापित किया है पुनः समर्पण किया है प्रार्थना करता हूं प्रभु तो उनको उठा तो उनको उनकी उनके टाइम में उनकी प्रार्थना में जीवन में प्रभु एक बड़ी तब्दीली ला परमेश्वर एक बड़ा भूछाल ला परमेश्वर कि सब कुछ बदल जाए परमेश्वर सारी सोच विचार सब कुछ बदल जाए यीशु के नाम में एक आत्मिक सोच आ जाए प्रभु सांसारिक सोच यीशु के नाम में टूट जाए सांसारिक सोच शारीरिकता की सोच यीशु के नाम में मैं तुझे धकेलता हूं मैं उखाड़ता हूँ यीशु के नाम में तुझे दूर हो जा यीशु के नाम में हाँ रीबा सखा राबा सीखे माँ सीखा लाला रोशन धन्यवाद परमेश्वर प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति को आपने हमारे भीतर रखा है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें आपकी आत्मा का मंदिर बनाया है प्रभु और सदैव आपकी उपस्थिति हमारे साथ हमारे भीतर और हमारे साथ है प्रभु इस सच्चाई को लेकर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम मानते हैं परमेश्वर आपकी महिमा में आगे बढ़ाए प्रभु आपकी इच्छा इन वचनों के द्वारा आज के इस सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में पूरी हो यशु के नाम में मानते हैं हमें